नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट समाचार में एक बार फिर से। शिवपुरी शहर के गायत्री कॉलोनी में इस समय हम मौजूद हैं। अभी हाल ही में MBA एंट्रेंस MNET की परीक्षा में शिवपुरी के छात्र होनहार छात्र प्रियांशु शर्मा ने टॉप किया है। इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह इनकी जर्नी रही। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट समाचार। थैंक यू भैया। कि आपने एक स्टडी, पहले तो आप बताइए कि 10th 12th के बाद में यहाँ तक की आप सफ़र रहा आपका, कहाँ कहाँ से आपने ये मुकाम पाया? मैंने 10th और 12th मेरा साइंस से सेंट चार्ल्स स्कूल से किया था, और इसके बाद मैंने साइंस कॉलेज से अपने जो है ग्रेजुएशन BCom की थी, और इस साल मेरी BCom पूरी हो जाएगी। अच्छा, आपने 12th 2021 में किया था, उसके बाद में 2023 में आपने ये MBA एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा जो NMET की है उसमें टॉप किया है। इतने कम समय में आपने इस तरह से पहले से विचार कर रखा था या फिर एकदम से 12th के बाद आया? नहीं, मेरा 12th के पहले ही पक्का था। मैंने 10th किया था, उसके बाद ही मैं बिजनेस में जाना चाहता था, और उसके बाद ही मैंने सोच लिया था कि मैं MBA करके ही अपनी पढ़ाई का अंत करूँगा। आपने MBA 2021 के बाद में 23, अभी 2 साल के अंतराल में आपने MBA एंट्रेंस एग्जाम जो दिया है उसमें टॉप किया है, तो उसके बाद में 12th के बाद में आपने कहाँ कहाँ से कोचिंग देखी और कहाँ कौन सी कोचिंग ज्वाइन की और कितने घंटे का समय दिया? मैंने लोकल कोचिंग्स भी देखी थी, पर लोकल में MBA के लिए अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद मैं इंदौर गया था, इंदौर में मैंने देखी थी, पर रेट्स थोड़ी सी हाई थी, जिसके बाद मैंने सोचा कि अनअकैडमी में मुझे सही रेट में पढ़ाई मिल रही है और सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो मैंने अनअकैडमी को चुना था। कितना समय लगा कि अनअकैडमी आपने कब ज्वाइन की और कब आपने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया? कितने समय में आपने पढ़ाई की और कितने मतलब कितने घंटे उसमें लगा आपको? अनअकैडमी पे मैंने करीबन 1 साल दिया था। मैंने नवंबर में अनअकैडमी ज्वाइन किया था, बस प्लस सब्सक्रिप्शन, तो उसमें मुझको 3 क्लासेस मिला करती थी। मैं 3 घंटे दिया करता था और उसके बाद सेल्फ स्टडी किया करता था। मतलब 1 साल अनअकैडमी में ज्वाइन किया आपने, 1 साल के अंतराल में MBA की एंट्रेंस की परीक्षा दी, उसमें टॉप कर लिया आपने, है ना? अब आगे का आपका क्या प्लान है कि कौन से कॉलेज में आपको कहाँ मतलब किस जगह लेना है और आगे की क्या रूपरेखा है आपकी भविष्य की? आगे की मैंने सोच के रखा कि कोई टॉप नॉच B स्कूल से ही मैं अपनी आगे की प्रिपरेशन करूँगा, और इसके बाद मैंने सोच के रखा है कि आगे मैं साथ में जॉब तो कंटिन्यू करूँगा, जो मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा उसके साथ मैं शिवपुरी में भी कुछ ऐसा स्टार्टअप करना शुरू करना चाहता हूँ, जिससे मैं शिवपुरी के भी बच्चों को उसका लाभ दे सकूँ। उसमें मैंने सोच के रखा है कि पहले मैं खुद को ट्रेन करता हूँ, बाद में मैं दूसरों को ट्रेनिंग कर पाऊँगा। अच्छा, पहले आपको अपने आप में ये सफलता हासिल करनी है, उसके बाद में ये है कि शिवपुरी में जितने भी इस फील्ड से संबंधित युवा हैं, जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं रोजगार देने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक ये है कि MBA एंट्रेंस परीक्षा आपने दे दी है, अभी आगे आपका रोजगार देने का एक विचार आपके मन में आया है, तो किस तरह निभाएंगे इसको पूरे को आप? पहले तो मैं खुद सेल्फ ट्रेनिंग लेना चाहूँगा, और सेल्फ ट्रेनिंग लेने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं मार्केटिंग की फील्ड में थोड़ा सा इतना सस्टेनेबल बन जाऊँगा कि मैं बाकी के बच्चों को भी उस फील्ड के बारे में बता सकूँ, समझा सकूँ, और हमारी फील्ड के साथ में उनको जॉब भी दिला सकूँ। अच्छा, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरी मदर है, मेरा एक छोटा भाई है और मेरे दादा दादी हैं। अच्छा, तो ये प्रियांशु शर्मा जो हमारे साथ थे, इन्होंने अभी हाल ही में 2023 की MBA एंट्रेंस परीक्षा NMET में सफलता हासिल की है, और उनका उद्देश्य है कि आगे भी यह सफलता पहले खुद हासिल करेंगे MBA की डिग्री कर, उसके बाद में शिवपुरी के छात्र और जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें ये रोजगार स्थापित कराएंगे। तो आगे भी इसी तरह अन्य खबरों के लिए और इंटरव्यू के लिए बने रहिए हमारे साथ।